नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। क्रिकेटरों के लिए शुक्रवार को ऐसी खबर आई जिसका इंतजार 37 साल से था। बीसीसीआई ने चंडीगढ़ की क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दे दी है। अब सिटी की अपनी क्रिकेट टीम होगी। जैसे ही इसकी सूचना शहर में फैली, युवा क्रिकेटरों के चेहरे खिल उठे। चंडीगढ़ डीसी ऑफिस में बैक डेट के स्टाम्प पेपर बेचने का गोर धंधा लंबे समय से चल रहा था। सूत्रों की माने तो स्टेट ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी बैक डेट स्टाम्प पेपर बेचने के प्रक्रम में संलिप्त है। फिलहाल पूरे मामले में विजिलेंस सेल ने जांच पूरी कर ली है। अगले हफ्ते विजिलेंस की ओर से इस घोटाले में 4 से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर विजिलेंस ने तैयारी पूरी कर ली है। गिरफ्तारी की भनक लगते ही वेंडरों के साथ ही डीसी ऑफिस में हड़कंप है। पानीपत सेक्टर 29 स्थित श्री बालाजी एसोसिएशन नामक फर्म में 43 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाकर तकरीबन 2.33 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया गया है। जांच की तो माने पता चला है कि फर्म नागलखेड़ी के प्लॉट नंबर 6 की रहने वाली परमिला के नाम पर शुरू की गई है, मगर जांच में इस फर्म का प्रोपराइटर कन्हैया नाम का व्यक्ति मिला है। एसपी ऑफिस के बाहर का ये दृश्य आपत्तिजनक ही नहीं, अमानवीय कृत्य भी है। ये पुलिस कर्मचारी है जो एक घायल इंसान को जानवरों की तरह खींच रहा है। घसीटने के बाद कुछ जवानों ने घायल को सीढ़ियों पर पैदल चलाया भी, जबकि वह खून से लथपथ था। 2007 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर श्री गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा पहनकर उनकी नकल करने के मामले में 295A और 193A का केस दर्ज किया था, लेकिन 4.5 साल में भी चलान पेश ही नहीं किया गया। पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए आतंकवाद और दंगा पीड़ितों के बच्चों को आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने खिलाड़ियों के लिए 3% रिजर्वेशन की व्यवस्था के भी निर्देश जारी किए हैं। अब पंजाब सरकार को नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शुक्रवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से इसे लागू माना जाएगा। जयराम मंत्रिमंडल के फैसले लेने के अगले ही दिन प्रदेश सरकार ने ट्रिब्यूनल में चल रहे केसों को स्थानांतरित करने के संबंध हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने तुरंत फाइल केंद्र सरकार को भेज दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। फिलहाल लोक निर्माण विभाग की मशीनी हाईवे को बहाल करने में जुटी हुई है। करोड़ों की लागत से तैयार विश्व स्तरीय दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों की छतों से पानी टपकने लगा है। पानी से प्लेटफॉर्म पर हो रही फिसलन से यात्रियों को खासी परेशानी होती है। आलम यह है कि दिल्ली के सबसे व्यस्तम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पर जल रिसाव के कारण एक सीढ़ी काफी दिनों से बंद है। इसी तरह कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में पानी टपकने से यात्री परेशान हैं। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित स्टेशनों के प्रबंधकों की ओर से इस संबंध में डीएमआरसी प्रबंधन को सूचित भी नहीं किया गया है। 5 महीने पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के संपत्ति कर में बढ़ोतरी के फैसले को रद्द कर दिया गया। शुक्रवार को दक्षिणी निगम के सदन की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया जो पारित हो गया। इस निर्णय से नगर निगम को करीब 80 करोड़ का नुकसान होगा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर यह फैसला लिया गया है। दक्षिणी निगम की नेता सदन कमलजीत सहरावत ने संपत्ति कर में बढ़ोतरी को रद्द करने का प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि 26 फरवरी को सदन ने थर्ड म्युनिसिपल वे वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया था। इसके बाद टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।